नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आपका अपने YouTube चैनल एग्री न्यू लाइट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। दोस्तों, भारत में प्लांट पैथोलॉजी के जनक हैं, तो इसका सही जवाब होगा ईजे बटलर, ऑप्शन बी। अगर मैं अन्य ऑप्शंस को देखूं तो एंटन वान डीवरी, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन वर्ल्ड कहा जाता है, केसी मेहता, इन्हें फादर ऑफ रस्ट कहा जाता है, इन्होंने रस्ट की साइकिल को डिस्कवर किया है, सी लीनियस, जिन्हें फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। दोस्तों, पी ए माइकेली, जिन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who developed coach postulates? Friends, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने कोच पास्टुलेट्स को दिया है। इन्होंने 1876 में बताया कि जो पर्टिकुलर डिजीज है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से फैलता है। अगर मैं अन्य ऑप्शंस को देखूं तो एच फ्लोर, जिन्होंने जीन फॉर जीन कॉन्सेप्ट को दिया है, ब्रीफ होल्ड, इन्हें फादर ऑफ प्योर कल्चर टेक्निक कहा जाता है। साथियों, टीजे बरिल, इन्होंने फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज को खोजा है, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म इर्विनिया एमाइलोबोरा इन पियर है। टीओ डीनियर की बात करें, इन्होंने वायराइट की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। आयरिश फेमाइन केम इन विच ईयर? दोस्तों, आयरिश फेमाइन 1845 ईस्वी में आया। आयरिश फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल डिजीज जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। इस डिजीज की वजह से 20 लाख लोग भूखमरी से मर गए। दोस्तों, यह डिजीज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक फंगस से फैलता है। अगर हम बात करें इस डिजीज के काजल ऑर्गेनिज्म की, तो यह डिजीज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक फंगस से फैलता है। दोस्तों, 1943 ईस्वी की बात करें तो 1943 ईस्वी में बंगाल फेमाइन आया। बंगाल फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो डिजीज है उसका नाम है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। दोस्तों, यह डिजीज जो है हेलमेंथो स्पोरियम ओराइजी के द्वारा फैलता है। दोस्तों, अगर मैं अन्य ऑप्शंस को भी देखूं तो 1867 में कॉफी रस्ट श्रीलंका में इंट्रोड्यूस हुआ। 1867 में कॉफी रस्ट जो कि श्रीलंका में इंट्रोड्यूस हुआ, और इसका काजल ऑर्गेनिज्म है हिमिलिया। वस्टेट्रिक्स दोस्तों, कॉफी रस्ट हिमिलिया वेस्टेट्रिक्स काजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है। यह डिजीज 1867 ईस्वी में श्रीलंका में इंट्रोड्यूस हुई। 1929 की बात करें तो 1929 ईस्वी में
आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी है दोस्तों। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1845 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इर्बिनिया एमाइलोबोरा, जो कि फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है। यह डिजीज पियर में पाई गई। प्लाज्मोपोरा बीटिकोला की बात करें तो यह डिजीज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स है। टोबैको मोज़ेक वायरस फर्स्ट वायरल डिजीज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। द फर्स्ट सनफ्लावर हाइब्रिड डेवलप्ड इन इंडिया। साथियों इसका सही जवाब होगा BSH1। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो GTH1 जो कि टोबैको की पहली हाइब्रिड है, H4 काटन की पहली हाइब्रिड है, वहीं पर HB1 जो कि बाजरा का पहला हाइब्रिड है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड इन मेज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाई। दोस्तों मेज में डबल क्रॉस हाइब्रिड सबसे पहले किन्होंने सजेस्ट किया था? तो आपका सही जवाब है जोन्स, ऑप्शन सी। बात करें मेज के साइंटिफिक नेम की तो इसका साइंटिफिक नेम जिया मेज होता है। जीएमएच की ओरिजिन मैक्सिको है और इसका 2N नंबर क्रोमोसोम 20 होता है। दोस्तों सल की बात करें तो इन्होंने हेटरोसिस की खोज की है। हेटरोसिस क्या है दोस्तों? हेटरोसिस सुपीरियरिटी ऑफ F1 पेरेंट्स ओवर ऑफ इट्स सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर ऑफ इट्स पेरेंट इज कॉल्ड एज हेटरोसिस। साथियों हेटरोसिस की डिफिनेशन क्या है? हेटरोसिस इज द सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर ऑफ इट्स पेरेंट इज कॉल्ड एज हेटरोसिस। हेटरोसिस गिवन बाय सल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्लिस्टोगैमी इनकरेजेस। क्लिस्टोगैमी किसको इनकरेज करता है, मींस या किस प्रकार के परागण का फैक्टर है? तो इसका सही जवाब होगा सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। द कंडीशन इन विच सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट इज नोन एज। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पेलियोट्रॉफी। इस कंडीशन में एक जीन एक से अधिक लक्षण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ब्लैक रस्ट आर स्टेम रस्ट कास्ट बाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटसाई। अगर मैं अन्य ऑप्शंस की बात करूं तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटसाई वर रिकॉन्डिटा को ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट भी कहा जाता है। ब्राउन और लीफ रस्ट। वहीं पर
पक्सिनिया ग्रैमिनिस जिप्साई वर स्टाइफॉर्मिस को स्ट्रिपरस स्टिप्रस्ट कहा जाता है। साथियों, कोलेटोट्राइकम फल्केटम जो कि रेड रॉट ऑफ सुगर केन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन दोस्तों, रेड रॉट ऑफ सुगर केन को नियंत्रित करने के लिए आप रेजिस्टेंस वैरायटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली में एक वैरायटी डेवलप हुई है जिसका नाम C-170-18 है, जो कि रेड रॉट ऑफ सुगर केन के अगेंस्ट रेजिस्टेंसी को शो कर रहा है। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसमें हाई शुगर कंटेंट और हाई जूसी कंटेंट पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। स्टैग हेड सिम्टम प्रेजेंट इन विच डिजीज दोस्तों, इसका सही जवाब है व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड कास्ट बाय अल्बिगो कैंडिडा दोस्तों, अल्बिगो कैंडिडा के द्वारा यह रोग काज किया जाता है और इस रोग में जो पौधों की इन्फ्लोरेसेंस है पौधों का, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, इस रोग के कंट्रोल के लिए आप मैंकोजेब 0.25% का इस्तेमाल करके नियंत्रित कर सकते हैं। मैंकोजेब 0.25% का स्प्रे करके आप व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, जो कि इरेस्पी पिसाई के द्वारा काज किया जाता है। दोस्तों, इस रोग में मटर की पत्तियों के ऊपर पाउडरी मासेस लाइक सिम्टम अपीयर्स हो जाते हैं और व्हाइटिश क्रीमी कलर का दिखाई देता है। दोस्तों, वहीं पर बात करें डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, जो कि पर्नोस्पोरा बिसाई के द्वारा काज किया जाता है। इस रोग में पौधों के निचले सिरे के पत्तियों पर पाउडरी मासेस लाइक सिम्टम अपीयर होते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए एग्री न्यूलाइट से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।